इतना खूबसूरत कोलियस कौन नहीं चाहता, लेकिन कई बार हमारे घर में कोलियस ख़राब हो जाता है, नीचे एकदम वुडी स्टेम रह जाती है और ऊपर थोड़ी सी पत्तियां रह जाती है। ऐसे कोलियस को किस तरह से सही करें और पॉट में किस तरह से लगाएं ताकि हमारा कोलियस एकदम बुके जैसा दिखे, इसके बारे में बात करूंगी कि कोलियस को बुशी किस तरह से करना चाहिए। लेकिन उससे पहले चैनल पर अभी की अभी सब्सक्राइब करके इससे जुड़ जाएँ ताकि आपको भी गार्डनिंग की ईजी वीडियोज़ मिलती रहें। कोलियस को बुशी करने के लिए सबसे पहला पॉइंट आता है इसकी पिंचिंग करना। कोलियस सबसे ज़्यादा हेल्दी तभी बनता है जब आप इसकी पिंचिंग करते हैं। इसकी नई पत्तियाँ जो निकलेंगी वो और ज़्यादा कलरफुल होंगी। पिंचिंग से ये फ़ायदा भी होता है, अगर आप पिंच करेंगे एक जगह से तो दो जगह से इसकी नई ब्रांचेस निकलेंगी, दो जगह से करेंगे तो चार जगह से निकलेंगी। इस तरह से ये मल्टीप्लाई होती रहेंगी इसकी ब्रांचेस और आपका कोलियस बुशी होता रहेगा और नई जो पत्तियाँ आती हैं वो तो और ज़्यादा कलरफुल और हेल्दी होती हैं, इसलिए पिंच करना बिल्कुल भी ना भूलें। सेकेंड पॉइंट आता है, कोलियस का सबसे बड़ा जो दुश्मन है उससे दूर करना है, यानी कि उसके खूबसूरत से फूल। इन्हें ज़्यादा खूबसूरत समझकर इसके ऊपर ना रहने दें, क्योंकि अगर आप इसे रहने देंगे तो ये सारी एनर्जी ले लेगा और उसकी पत्तियाँ सारी झड़ जाएंगी और इसके अंदर बीज प्रोड्यूस होने लग जाएंगे, और हमें इसके बीज नहीं बल्कि इसकी खूबसूरत पत्तियाँ चाहिए। इसलिए इसके बीजों को बिल्कुल हटा दें और अपने कोलियस को बढ़ने दें। अगर आप बीजों को रहने देंगे तो आपका कोलियस धीरे धीरे मरने लग जाएगा। कोलियस को बुशी करने के लिए थर्ड पॉइंट आता है कि आप इसके पॉट में कभी भी एक प्लांट ना लगाएं, हमेशा दो या तीन प्लांट्स लगाएं, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा जगह नहीं मांगती है। अगर आप एक पॉट में दो या तीन प्लांट्स लगाएंगे तो उनकी सारी ज़रूरतें उस मिट्टी में पूरी हो जाएंगी। जैसे आप यहाँ देखिए, इतने छोटे से पॉट के अंदर मैंने तीन तीन प्लांट्स लगाए हुए हैं और इनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं इस मिट्टी के अंदर। यहाँ तक कि इसके अंदर भी मैंने तीन प्लांट्स लगा रखे हैं। अगर इनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही होती तो आपको ये पत्तियाँ अनहेल्दी लगती। देखिए कितनी हेल्दी पत्तियाँ हैं, यानी कि इस मिट्टी के अंदर इसकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं और हम तीन तीन प्लांट्स आराम से लगा सकते हैं। अब फोर्थ पॉइंट है कि कोलियस की अगर वुडी स्टेम हो गई है, नीचे से पत्तियाँ खाली रह गई हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? तो आप क्या करिए, बस एक ही इलाज है उसका कि आप उसको काट दें, उसकी कटिंग्स ले लें और कटिंग्स को अलग अलग जगह लगा दें। जो कटिंग्स होगी वही आपका नया प्लांट बन जाएगी और पुराना प्लांट आपका खाली हो जाएगा। आप ये इतना बुशी प्लांट देख रहे हैं, इसे लगे हुए करीब 7 से 8 महीने हो चुके हैं और अब इसका टाइम धीरे धीरे ख़त्म होने लगा है। अब जैसे ही सर्दियाँ बढ़ेगी तो ये पूरा नीचे से खाली हो जाएगा और इसके ऊपर एक दो पत्तियां रह जाएगी। उससे पहले मैं इसकी कुछ कटिंग्स ले लूँगी। आप देखिए यहाँ पर कैसे ये खाली हो रहा है नीचे से और इसकी स्टेम एकदम लकड़ी जैसी रह गई है। जब कोलियस की स्टेम लकड़ी जैसी रह जाए तो आप समझ लीजिए उसका टाइम ख़त्म हो चुका है और हमें उसकी कटिंग्स ले लेनी है। अब ये प्लांट थोड़ा टाइम ही चलेगा, उसके बाद ये मर जाएगा और मैं इसके अंदर फिर इसकी कटिंग्स लगा दूँगी और वही कटिंग्स फिर से बड़ी होकर इस तरह से फैल जाएंगी। अगर कोलियस प्लांट को लेकर आपके मन में कोई और क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो मैं उसकी कोई सेपरेट वीडियो बना लूँगी, और अगर कम होंगे तो एक शॉर्ट्स में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। इसलिए मुझे कमेंट ज़रूर करें और वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और चैनल के साथ अभी जुड़ जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।